संगीत में गदा, पंचतंत्र की कहानी। एक धोबी का गदा था। गधे का नाम था उदित। वह दिन भर कपड़ों के गद्दर इधर उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस दिन रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारगाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उसे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसके दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी मूर्खवरी के दिन गए। जे हाँ, पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है, वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं, खीरे, ककड़ियाँ, तुरोई, गाजर, मूली, शलगम और बैंगनों की बहार है। मैंने तो बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है, बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर शक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आओ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पोल फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर बढ़ने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल भी मस्त आ गई। वह भूख भरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह घूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चीचित होकर पूछा, मित्र जय क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद कर मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा, भोजन करने के बाद गाना चाहिए, सोच रहा हूँ कि डेंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना ना ना, ऐसा ना करना गधा भाई, गाने वाने का चक्कर मत चलाओ, यह मत बोलो कि हम दोनों जहाँ चोरी कर रहे हैं, मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नज़र से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े और मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग आपले की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात को बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहा, मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में देखते हैं, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली से ही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो, अपना मुंह मत खोलो, बाघ के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाघ के चौकीदार तो क्या, बाघ का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति से सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रोंकना शुरू किया।
उसने रेंकने की आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसकी ओर लट्ठू लेकर दौड़े। जिधर से रोकने की आवाज़ आ रही थी, वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारे बाग चल रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट कर अधमरा गिर पड़ा। सीख: अपने शुभचिंतकों और हितोषियों की नेक सलाह ना मानना, परिणाम बुरा होता है। तो यह कथा सुनकर स्वर सिद्धि बोला, तुमने भी मेरा कहना नहीं माना, अब अपनी हालत देख लो। चक्रधर ने उत्साह भरकर कहा, तुम ठीक ही कहते हो, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती और जो मित्र की सलाह पर भी नहीं चलता, मैं मर्थरक नामक जुलाहे की तरह नष्ट हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी संगीत में गदा। आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं आप सभी को अपनी अगली नई कहानी में। सो सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। सो थैंक यू, बाय बाय।